गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ऋत्विक थंजानी, आप सबका तहे दिल से ITA अवार्ड्स में स्वागत करता हूं। ITA अवार्ड्स एक ऐसा लौता मंच है जहां पर आपको इंडियन टेलीविजन के सारे चैनल्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों को एक साथ देखने का मौका मिलता है। इस साल ITA ज्यादा खास है क्योंकि इस साल ITA पूरे कर रहा है अपने 21 साल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स ऑफिशियली एन अडल्ट नाउ, 21 इयर्स ऑफ ITA। जॉनी जॉनी, तूने पी है, मुंह को खोलो, झूठ बोलिया। जॉनी जॉनी, हां जी, तूने पी है, हां जी, मुंह को खोलो, हां जी, झूठ बोलिया। क्या बात है, तुमने पी नहीं है, जाओ पीछे जाओ, शशि जी ने बहुत बड़ा बार खोला। क्या बात है, एंजॉय। 21st ITA के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है शशि जी, बहुत बहुत बधाइयां हो। शशि जी, आपके लिए मैं 2 मिठाइयों के डब्बे लाया हूँ, पीछे रखवाए हैं मैंने। खैर, राजन शाही जी कहाँ पर हैं? अरे वाह, क्या हैंडसम लग रहे हैं सर। आपके लिए मैं 4 डब्बे लाया हूँ क्योंकि रोज ये बंदा 4-4 की TRP दे रहा है। इनके लिए जोरदार तालियां अनुपमा। कृष्णा भाई, हाँ, वेलकम यार। मेरे लिए क्या लायो? एग्जिट, तेरा काम खत्म, अब मैं होस्टिंग में आ चुका हूँ। इंडियन टेलीविजन के जितने होस्ट हैं, मनीष पॉल, आदित्य नारायण, अपने घर का है वो हर्ष लिंबुचिया, सबका पैकअप। सबका पैकअप। एक और एंकर का नाम भूल गया, कपिल शर्मा। मजाक कर रहा था मैं। कमाल है यार, तू हर बात को मेरी सीरियस ले ले, ऐसी बात नहीं, कपिल इज द बेस्ट। कृष्णा भाई, मजाक भी तुम करो, एंकरिंग भी तुम करो, डांस भी तुम करो, और मैं यहाँ बालिका वधू को आशीर्वाद देने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये भी बहुत बड़े बड़े काम करता है। अभी मैं पीछे देख रहा था, शशि रंजन जी को हाथ जोड़ के कोट पहना रहा था। सर पहनो ना सर। बहुत बढ़िया, अब जो आदमी कोट पहनेगा और कोट ही पहनाऊंगा ना, आपकी तरह थोड़ी भाई हर कोई पेटी कोट पहन के घूम रहा है। ये सारी बातें छोड़ो यार, कृष्णा भाई मेरे को एक बात बताओ, आज आप स्टार TV पे कैसे? ये देखो, आग लगा रहा। स्टार TV पे कैसे, ये भी तो पूछ सकता था। आप ITA पे कैसे? सर इतना बड़ा ये कलेशु है ना, इतना बड़ा कलेशु, इसको सीरियल में तो ननद का रोल दो, कितना कलेश डालेगा। 4 के आपकी 6 की TRP आएगी सर। क्या बात है अनुपमा जी, एक वो गांगुली है जिन्होंने पूरे इंडियन क्रिकेट टीम को संभाला हुआ है, और एक ये गांगुली है जिन्होंने पूरे स्टार TV को संभाला हुआ है। करण सर, क्या हाल है? करण सर भी कितने हैंडसम लग रहे हैं, कितने कितने कमाल के आदमी। मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, एकता कपूर ने जितनी नागिनों को दूध नहीं पिलाया ना, उससे ज्यादा ये बंदा इंडस्ट्री में कॉफी पिलाता है। बिल्कुल सही बात है, ये एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जज हैं, एंकर हैं, सारे काम बाबा यही करते हैं। हम तो भैया इस धरती पे सिर्फ हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैदा हुए हैं। यार एक बात बताओ, यार इतनी कमाल की एक्टिंग वैक्टिंग करते हो भाई, डेली सोप कर लो कोई। डेली सोप? हाँ। अरे डेली सोप बड़े ऑफर होते हैं मुझे। हर्षित मोदी जी है ना, हाँ, 6 महीने से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। कृष्णा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कर ले, वो बबीता जी है ना, 3 महीने के लिए बाहर जा रही है। हाँ। तो तू बबीता का रोल कर ले। मैंने कहा सर नहीं, मैं इतने सालों से इतना बबीता बन चुका हूँ कि अब मेरे अंदर का जेठालाल जो है ना, वो मरे जा रहा है। चलो बढ़िया, देखो कृष्णा भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल शो शुरू करते हैं। बिल्कुल शो शुरू करते हैं। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। ओ भाई बढ़िया लग रहे हो, कहाँ चेंज करना? नहीं नहीं, मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ब्यूटीफुल भी लगना है। है ना, जोरदार तालियां हो जाए फॉर 21st ITA अवार्ड। थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले 21 सालों में टेलीविजन ने वैसे तो हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन
जो उसकी सबसे बड़ी देन है वो है द लीडिंग लेडीज, जिनके किरदार लोगों के सिर्फ दिलों में नहीं बल्कि उनके घरों में भी अपनी जगह बना बैठे। अपने हुस्न की रोशनी से आपको जगमगाने स्टेज पर आ रही हैं लीडिंग लेडीज ऑफ टेलीविजन श्वेता तिवारी एंड रश्मि देसाई। चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला
जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे